Hello friends. In this video, we will discuss about Philip Sidney, his biography, and his work. Philip Sidney is one of the most prominent figures of Elizabethan age, and he is very famous for his work An Apology for Poetry. So let's start today's video and read some facts about Philip Sidney. So, first of all, let's start from his biography. Uh, Philip Sidney Born on 13 November, 1554 and he died on 17th October, 1586 टिक फैमिली मतलब पहले से ही काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे एंड इनकी जो फैमिली थी पहले उनके एरिजा बेथ जो एलिजाबेथ फर्स्ट जो क्वीन थी उसके साथ भी काफी अच्छे एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स थे एंड 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 ही एजुकेटेड एट स्कूल स्कूल क्राइस्ट क्राइस्ट चर्च चर्च यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ा था हालांकि ये वहां से विदाउट डिग्री ही रहे थे इन्होंने वहां डिग्री नहीं ली थी नेक्स्ट श्रूजबरी स्कूल में जब ये पढ़ते थे वहां पे इनकी मुलाकात होती है फुल लेवल से जो कि इनके काफी अच्छे दोस्त वहां पे बन जाते हैं और साथ ही साथ वो सिडनी की बायोग्राफी भी लिखते हैं जिसका टाइटल है द लाइफ ऑफ रिनोड सर फिलिप सिडनी एंड ही वॉज नाइटेड इन 1583 तभी इनको मतलब जो सर बोला जाता है ना इसीलिए 1583 में नाइटेड एंड इनका जो एक लॉन्गेस्ट वर्क है आर्किडिया वो उन्होंने डेडिकेट किया था अपनी जो इनकी सिस्टर थी यंगर सिस्टर मैरी उसे डेडिकेट किया था और मैरी के साथ इन्होंने एक दो वर्क भी लिखे हैं तो जो इनके इनकम्प्लीटेड वर्क थे वो इनके सिस्टर ने बाद में कम्प्लीट किए हैं एंड इनकी जो डेथ की बात करें तो ये शोल्जर थे तो ही किल्ड एट अ बैटल इन जूट वन इन फिफ्टीन हंड्रेड एटी सिक्स डाइड एट दर्टी वन तो वहां पर क्या होता है की जो बैटल हो रही थी, वहां पर गोली लग जाती है एंड उसके के बाद इंफेक्शन के वजह से इनकी डेथ हो जाती है एंड इनके जो लिटरे वर्क है ये फिफ्टीन हंड्रेड सेवेंटी एट एंड एटी टू के बीच आते हैं अब बात करते हैं इनके वर्क की तो सबसे पहले जो इनका काफी फेमस वर्क है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री या फिर इसका सेकंड टाइटल है द डिफेंस ऑफ पोएजी 1595 में ये वर्क पब्लिश हुआ था एक राइटर थे स्टीफन गॉसन उनका एक वर्क आया था द स्कूल ऑफ अब्यूज तो ये स्कूल ऑफ अब्यूज जो वर्क है ये 1579 में आया था तो होता क्या है कि ये जो स्टीफन गोसन हैं इन्होंने अपने इस वर्क में पोएट्री के बारे में काफी उल्टी सीधी चीजें बोलती मतलब तो पोएट्री जैसे एग्जाम्पल पोएट्री इज द वेस्ट ऑफ टाइम एंड पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज पोएट्री इज द नर्स ऑफ अब्यूज एंड प्लेटो हैड राइटली बैनेज द पोएट फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक तो ये सारी चीजें स्टीफन गॉसन ने बोली थी तो इसी का एज अ रिप्लाई फिलिप सिडनी ने अपने इस वर्क में किया है कि पोइट्री क्या है क्या नहीं है उन्होंने ये बताया है और ये जो है मॉडर्न uh, राइटर्स की बात फिलिप सिडनी ने इसमें की है एंड साथ ही साथ आगे चल के जो हमारे रोमांटिक राइटर है पीबी शेली वो भी काफी इन्फ्लुएंस हुए थे सिडनी uh, के इस वर्क से एंड उन्होंने जो है डिफेंस ऑफ पोइट्री अपना एक वर्क भी लिखा तो ये सारी चीजें यहां पे सिडनी ने बताई हैं तो ये वर्क इनका पोस्थमसली uh, जो है वो पब्लिश हुआ फिफ्टीन हंड्रेड नाइनटी फाइव में एंड uh, uh, इनका जो पब्लिशर था मेनली जब उसने ये वर्क पब्लिश करवाया तो उसमें टाइटल था द डिफेंस ऑफ पोइजी एंड ऑलनी के जब ये पब्लिश हुआ तो वहां पे टाइटल है एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके वर्क एस्ट्रोफिल स्टेला की जो कि 1591 में पब्लिश हुआ था एंड ये एक सोनेट सीक्वेंस है जिसमें वन हंड्रेड एट लव सोनेट है एंड इलेवन सीक्वेंस है तो ये जो एस्ट्रोफिल यहाँ पे नेम है ये आपका एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है एक है एस्टर एंड एक है फिल जिसमें एस्टर का मीनिंग है स्टार एंड फिल का मीनिंग है लवर एंड स्टेला जो है स्टेला एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है स्टार 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 यानी कि लवर लवर ऑफ और ये प्लॉट है है एक अनहैप्पी लव एस्ट्रोफ़िल का स्टेला के लिए ये इन्होंने इनकी एक मतलब तो पहले ये शादी करना चाहते थे एक लड़की लेडी पल्लब रिस्ट से जो नहीं हो पाई तो उसको उन्होंने ये व, ये वर्क जो है वो डेडिकेट किया था तो यहाँ पे जो स्टार लवर है वो है हमारे सर फिलिप सिडनी एंड जो स्टार हैं वो है वो लेडी पेनलप प्रोग्रेसिव राइज एंड फॉल ऑफ लव इस वर्क में दिखाया गया है एंड यहाँ ये इन्होंने पेट्रार्कियन जो सोनेट है वहां पे लिखा था उस फॉर्म में इस वर्क को लिखा है नेक्स्ट इनका जो वर्क है वो है एरिया या फिर द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रुक जो इनकी सिस्टर है थी मैरी मैरी सिडनी उनकी शादी हो जाती है और लॉक पेम्ब्रूक से तो ये वर्क इन्होंने डेडिकेट किया था अपनी सिस्टर मैरी को एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोस पेस्टोरल रोमेंस है ये एंड 1590 में ये पब्लिश हुआ था तब ये इनकम्प्लीट था उसके बाद मैरी ने ही इसे कम्प्लीट किया इन 1598 में उसके बाद ये कम्प्लीट होके पब्लिश हुआ completed by Mary Sidney first published after his death और जो हमारे सैमुअल रिचर्डसन हैं उन्होंने उनकी जो पहली हीरोइन थी पामिला उसका नाम सिडनी के ही इस रोमन से लिया है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट इसको नोट कर लेना नेक्स्ट इनका एक वर्क है द लेडी ऑफ मे ये एक मास्क है जो कि एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ 1 होती उनके सामने ये परफॉर्म किया गया था इट इज अ वन एक्ट प्ले Next, इनका एक work है The Sydney Psalms, जो कि एक collaboration है Mary Sydney और Philip Sydney का जो इनकी sister थी और Mary Sydney ने ही बाद में इसको कम्प्लीट uh, किया था एंड इसकी एक कॉपी उन्होंने एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ वन को भी दी थी एंड इट इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ साम्स इन इंग्लिश तो ये कुछ वर्क्स थे फिलिप सिडनी के एंड उनके बारे में कुछ बातें थी जो कि आई थिंक आपके लिए यूजफुल होंगी और एग्जाम में इनसे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं और बाकी तो स्पेंसर के साथ तो आपको मैंने बताया था एडमिन स्पेंसर वाली जो आ, जो वीडियो थी उसमें कि स्पेंसर ने भी अपना एक वर्क इन्हें डेडिकेट किया था द दफर्ड्स कैलेंडर और एस्ट्रोफिल करके एक उन्होंने वर्क लिखा था जो कि एलिजी थी फिलिप सिडनी के लिए बाई uh, स्पेंसर तो ये कुछ इम्पोर्टेंट uh, फैक्ट्स थे फिलिप सिडनी के तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स